इस प्रॉपर्टी प्रदर्शनी में कामधेनु रियल्टीज ने कई इम्पोर्टेंट कई अच्छे प्रोजेक्ट जो है शोकेस किए हैं। क्या प्रोजेक्ट हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस लोकेशन पर मौजूद हैं, क्या उनकी खासियत है। इस वक्त हमारे साथ खुद कामधेनु रियल्टी के डायरेक्टर हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की प्रॉपर्टी कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह के प्रोजेक्ट जो है उसमें इस बार प्रदर्शनी का हिस्सा है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर कामधेनु ने इस बार जो है अपना फोकस NMMC सिटी लिमिट्स में किया है। सो वी आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विद इन द सिटी लिमिट्स, जैसे कि सानपाड़ा, वाशी, नेरुल, ऐसी जगहों पर हम अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्द। कुल कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं अगर आप बता सकें दर्शकों के लिए, और उनकी क्या प्राइस रेंज क्या रखी गई, क्या खास एमिनिटीज़ को फोकस किया गया है इस बार? सर देखिए, रेजिडेंशियल में इस बार जो हम लेकर आ रहे हैं वो सानपाड़ा में दो प्रोजेक्ट्स हैं विच आर अपर लग्जरी, जिनमें एमिनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। वी हैव एवरी एमिनिटी अंडर द सन एंड बिकॉज दीज आर लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स तो दिल बी टॉप ऑफ द लाइन और बहुत ही अच्छी लोकेशंस पे विद इन वेरी सेंट्रल सिटी, तो जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत टॉप नॉच होगी। इसी तरह से अगर देखा तो 2 साल का लॉकडाउन रहा है और होम सीकर्स बहुत परेशान रहे इस तरह के प्रॉपर्टी एक्सपो में, अब जब ये मौका मिला तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो गुडविल है कामधेनु रियल्टीज की, उसके जरिए जो होम सीकर्स हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार का प्रॉपर्टी एक्सपो है? सर देखिए, इस बार का प्रॉपर्टी एग्जीबिशन कुछ ज़्यादा खास है हमारे लिए, क्योंकि 2 साल की जो पेंट अप डिमांड है वो इस बार बाहर आ रही है एंड 2 साल में जो इतनी इंफ्रा ग्रोथ हुई है, रियल एस्टेट सेक्टर में इतनी ग्रोथ हुई है, इतनी डिमांड अच्छी आई है, सेल इतनी अच्छी आई है, UDCPR के माध्यम से इतना सारा FSI आया है, तो होम सीकर्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा और इससे बड़ा मंच नवी मुंबई में है नहीं। एक साथ इतने सारे डेवलपर्स के बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इन द बेस्ट लोकेशंस एक्सपीरियंस करने का, क्या किस प्रोजेक्ट को लेकर खास आपका ज़्यादा ये अट्रैक्शन है कस्टमर का? बहुत सारे लोग आज सेकेंड डे है, किस तरह का आपको रिस्पांस दिख रहा है प्रॉपर्टीज़ को लेकर? सर देखिए, हमारा खास इस बार फोकस रहेगा वाशी में और सानपाड़ा में एंड अपर खारघर यानी कि रोहिंजन में। वाशी में हमने सेंटर वन मॉल जो है उसे रीडेवलपमेंट में लिया है, वी आर गोइंग टू डिमोलिश द मॉल एंड वेरी सून मेक अ लार्ज कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑन दैट। सानपाड़ा में मैंने जैसे आपको पहले बता दिया, वी आर कमिंग अप विद 2 अपर सेगमेंट लग्जरी प्रोजेक्ट्स एंड इसके अलावा हम नेरुल में एक लग्जरी प्रोजेक्ट, नेरुल में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हम MIDC एरिया में 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से एक हमारा लगभग पूरी तरह सोल्ड आउट हो चुका है और दूसरा हम अनाउंस कर रहे हैं विच वॉज प्रीवियसली द रिलायंस सिलिकॉन फैक्ट्री, अभी हमने उसे भी रीडेवलपमेंट में लेके एक IT का प्रोजेक्ट वहाँ बनाने वाले हैं। तो किस तरह से आप अपील करना चाहेंगे उन कस्टमर्स के लिए जो कामधेनु रियल्टीज को पसंद करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को पसंद करते हैं और यहाँ तक आए हो? सर अपील हमेशा हमारी बहुत सिंपल रहती है, दैट द राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी इज टुडे, तो ये मौका मिस ना करें, ये दोबारा आएगा नहीं। टेक द फुल एडवांटेज ऑफ दिस एंड क्लोज द डील टुडे इटसेल्फ। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने सुना कि कामधेनु रियल्टी के जो डायरेक्टर हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है 2 साल प्रॉपर्टी एक्सपो है 2 साल के लॉकडाउन के बाद आया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और चूंकि कामधेनु रियल्टी की जो गुडविल है वो लग्जरी सेगमेंट में है और अफोर्डेबल लग्जरी जिसको आप कह सकते हैं, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अच्छा एक अवसर है कि जो भी अपना सपनों का घर खरीदना चाहते हैं और वो भी नई मुंबई के प्रिंसिपल लोकेशन पर, प्राइम लोकेशन पर, उनके लिए शायद ये बेहतरीन मौका हो सकता है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।